हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्जुन कोचिंग क्लासेस। अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 2022 में ये पहला ग्रुप डी स्टाफ का इंटरव्यू लाया हूँ मैं। आज जिस सर का इंटरव्यू लूँगा मैं, भिलाई पावर हाउस स्टेशन आया हूँ। दोस्तों, ये फेमस है दोस्तों भिलाई स्टील पावर प्लांट के लिए, जो कि 1955 में रशिया की मदद से सेटअप यहाँ तैयार हुआ था, और ये एशिया का लार्जेस्ट स्टील प्लांट है और इंडिया का भी है। ठीक है, यहाँ से रेल जो सप्लाई होता है दोस्तों, बंद करके पूरा ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई होता है और इवन एक्सपोर्ट भी होता है। तो दोस्तों, आज पूरा ग्रुप डी स्टाफ का इंटरव्यू लिया जाएगा, इनका पूरा सक्सेस जर्नी, कैसे उन्होंने तैयारी की, ठीक है, इस पर डिस्कशन होगा। तो सर से पूरा डिटेल लेते हैं। सर, आपका गुड नेम? मेरा नाम सोहल कुमार सिन्हा है जी। सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं यही निखुर्ते पर भिलाई से बिलोंग करता हूँ, छत्तीसगढ़ से। अच्छा, तो सर आप बताना चाहेंगे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा क्वालिफिकेशन है बी मैकेनिकल जी, और मेरा कॉलेज है CIMT भिलाई, जो भिलाई में ही है। अच्छा, और पढ़ाई भी यहीं से किए हैं सर? स्कूल? जी, स्कूलिंग भी मेरा यहीं से ही हुआ है, निखुर से पास से हुआ है। अच्छा, सरस्वती शिशु मंदिर से हुआ है मेरा। अच्छा अच्छा जी। तो सर आप बताना चाहेंगे आपकी कैटेगरी क्या थी? मेरी कैटेगरी OBC थी। अच्छा, और सर आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट, शिफ्ट, अटेम्प्ट, रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइज मार्क्स, ये सब आप पूरा बताना चाहेंगे? मेरा ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट था 10 अक्टूबर था 2018 और फर्स्ट शिफ्ट थी। अच्छा। मेरा रॉ मार्क्स था 60 था और नॉर्मलाइज हो गया वो 68.72 हो गया। अच्छा जी। सर तो पता है मुझे कि आपको काफ़ी वेट करना पड़ा था, तो कितना मार्क्स से पहला लिस्ट में से आप छट रहे थे जैसे? जी, तो पहली जो OBC की कट ऑफ आई थी वो 69.11 थी। अच्छा, और सेकेंड में जो आई थी कट ऑफ 68.97 थी और मेरा मार्क्स 68.72 था। अच्छा, तो अच्छा। और लगभग 0.25 के लिए मुझे 2.5 साल का वेट करना पड़ा था। अच्छा जी। तो सर आप अब इसके स्ट्रेटेजी के बारे में बताना चाहेंगे कि आपने किस तरीके से इसकी पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ाई की है ना, ग्रुप स्टडी किए, सेल्फ स्टडी किए, बुक्स के बारे में बताना चाहेंगे, कौन कौन से बुक्स का? जी, मैं उस टाइम जॉब करता था, जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ उसके बाद मैं जॉब में चला गया, तो मुझे बस जॉब छोड़ना था कैसे भी करके, एग्ज़ाम डेट का वेट कर रहा था। अच्छा, तो विद इन 3 मंथ मुझे बस टाइम था जॉब छोड़ने के बाद, एग्ज़ाम डेट आया तो। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद मैंने बस उस समय मैथ्स के लिए घटना चक्र पढ़ा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया था, और मैंने एक साल पहले ही चंदू सर मतलब कोचिंग सेक्टर 7 भिलाई में यहाँ पे है। अच्छा, अच्छा। तो उसको ज्वाइन किया था, तो उसके मैथ्स के नोट, रीजनिंग के नोट्स, उसको मैंने प्रेफर किया था, ज़्यादा इधर उधर नहीं किया था। ग्रुप डी के लिए इतना इनफ होता है, ज़्यादा उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती। जी, बस हल्का फुल्का कर लेंगे तो आपका निकल जाता है। मैथ्स रीजनिंग बेस रहता है जिसका, अच्छा रहता है उसका ग्रुप डी एग्ज़ाम निकल जाता है, बाकी के लिए थोड़ा अलग। अभी सर साइंस का वेटेज 25 मार्क्स का है तो फिक्स कर दिया गया है। जी, तो साइंस के लिए कौन सी बेस्ट बुक रहेगी? साइंस के लिए मैं अभी फ़िलहाल तो SK जो फॉलो करता हूँ जी, और पहले लूसेंट का जो साइंस आता था उसको फॉलो करता था। अच्छा। और बाकी आप मॉक देते रहेंगे तो आपका इम्प्रूव होते रहेगा। दोस्तों, अगर आप लोग मॉक टेस्ट दिलाना चाहते हैं तो टेस्ट बुक बेस्ट प्लेटफॉर्म है ग्रुप डी NTPC के लिए, जिसमें आप लोग को दोस्तों 399 का जो पास है उसमें आप लोग को 39 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा अगर आप लोग ACC कोड को यूज़ करते हैं, मतलब अर्जुन कोचिंग क्लासेस का शॉर्ट फॉर्म है ACC। ठीक है, इसमें दोस्तों आप लोग को काफ़ी मॉक मिलेंगे, 72 के भी, और आपका 37,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेगा, है ना। 10% आप लोग को कैशबैक मिलेगा अगर आप लोग अमेज़न पे से करते हैं तो। इसमें दोस्तों लगभग 520 प्लस एग्ज़ाम्स है और आप लोग साइको की भी तैयारी कर सकते हैं इससे। अच्छा, तो सर आपका अटेम्प्ट कितना था इसमें और कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ? मेरा एक्चुअली गलत ज़्यादा हो गया था अटेम्प्ट, मैंने उस समय कट ऑफ ज़्यादा जाएगा करके 83 के आसपास कर दिया था। अच्छा, तो 18 के आसपास कुछ गलत हो गया था मेरा, तो उसी कारण मुझे इतना लंबा वेट करना पड़ा, वरना मैं इतना वेट नहीं करता, तो गलत ज़्यादा हो गया। तो एक्यूरेसी का प्लीज़ कैंडिडेट आप लोग मेंटेन कीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल। तो सर आप इसके बाद बताना चाहेंगे कि इसमें आपने तो बताया, तो आपको ग्रुप स्टडी की ज़रूरत पड़ी कि आप खुद से ही पढ़ते थे? मैं एक फ्रेंड था बस, उसी के साथ बस पढ़ता था बस। अच्छा। ज़्यादा ग्रुप स्टडी नहीं, बस एक आदमी था, बस उसी के साथ घटनाचक्र सॉल्व करते थे। अच्छा,
सर तो ये आपका हो गया, आपका कितने घंटे की अगर पढ़ाई की जाए बोले तो? ग्रुप डी के लिए सर मुझे ही लगता है कि 6 से 7 घंटे की ज़रूरत है, मतलब मैक्सिमम 3 to 4 hours या 2.5 से 3 घंटे भी आप देंगे और रेगुलरिटी आपको मेंटेन करना है, अगर वो आप करेंगे तो आपका इजिली निकल जाएगा ये एग्ज़ाम। जी सर ने काफ़ी अच्छी बात कही कि अगर आप रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो आपको बेनिफिट होगा। कुछ स्टूडेंट्स का, कुछ कैंडिडेट्स का कमेंट आता है कि सर काफ़ी मोटिवेशन की कमी, काफ़ी डिमोटिवेट हो गया हूँ, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये तो बात बिल्कुल सही है कि इस सरकार ने काफ़ी लेट की है इस एग्ज़ाम के लिए, बट जिस हिसाब से NTPC CBT 2 का कार्य चल रहा है तो पूरा चांसेस है कि जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगा। सर का CBT 1 भी पार किए हैं और CBT 2 का भी तैयारी कर रहे हैं, सर तो आप पूरा बताना चाहिए। सर आप NTPC की भी तैयारी किए हुए हैं और CBT 2 का भी तैयारी कर रहे हैं, तो कौन कौन से लेवल आपका निकला है? मेरा लेवल सिक्स तो नहीं हो पाया, कुछ मार्क्स से रह गया, लेवल 5, 2 and 3 मेरा क्लियर हुआ है। 2, 3, 5 क्लियर हुआ है? जी जी जी। तो इसमें जैसे सर अभी लेवल 6 का क्वेश्चंस टफ था, मॉडरेट टू टफ बोला जाएगा, ठीक है, क्योंकि अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स जो टेस्ट बुक में भी 90 to 100 या 100 प्लस ला रहे थे, उन लोग 80 to 85 या 75 प्लस में रुके हुए हैं। तो आप बताना चाहेंगे कि सर आप 2, 3, 5 के लिए कैसे तैयारी कर रहे हैं? मैं अभी फ़िलहाल स्ट्रेटजी थोड़ा सा चेंज किया हूँ एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हुए। अब मैं थोड़े राकेश यादव के SSC के क्वेश्चंस थोड़ा बनाना चालू किया हूँ मैं मैथ्स के लिए, और रीजनिंग के लिए तो नॉर्मली आई थी, पज़ल वगैरह एक्स्ट्रा आ गई थी जो उसको मैंने सॉल्व कर रहा हूँ रेगुलर। जो बैंकिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ईजी रहेगा। अच्छा जी, तो सर आप ये बताना चाहेंगे अभी आप कहाँ कार्यरत हैं, कौन सी पोस्ट पर हैं? जी मैं डोंगरगढ़ सेक्शन PWI में कार्यरत हूँ और DTM 7 में कार्यरत हूँ। अच्छा जी, तो सर आप इसमें ये बताना चाहेंगे कि आप टाइम कितना मैनेज कर पाते हैं आफ्टर स्टडी? जी आफ्टर जॉब, योर जॉब ग्रुप डी के जॉब में आपको पेट्रोलिंग करना पड़ता है, तो समर पेट्रोलिंग में आपको 11 से 5 ड्यूटी करना पड़ता है, तो उस समय आपका टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आपको टाइम मिल जाता है। विंटर पेट्रोलिंग में भी आपका नवंबर से लेकर फरवरी मार्च तक चलता है, उस समय भी आपको दिन में काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात बोले सर। जी जी जी, तो जैसे आप रेगुलर अगर 2-4 घंटा भी पढ़ाई कर रहे हैं जी जॉब के बाद, तो आप आगे ग्रुप डी से ग्रुप सी जा सकते हैं? जी रेगुलर भी आपको मेंटेन करना पड़ता है, आप 1-2 घंटा भी अगर रेगुलर आप देंगे तो आपको टच में रहना बहुत जरूरी, रेगुलर रहना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आपको बहुत जरूरी है। जी जी, आपको टच में मतलब रहना बहुत जरूरी है पढ़ाई के। तो सर से तो पूरा पढ़ाई के बारे में बात कर ली है, अब इनके फिजिकल के बारे में बात करते हैं कि इन्होंने कैसे फिजिकल एग्ज़ाम की तैयारी की, सर आप बताना चाहेंगे? जी जब मैं एग्ज़ाम से होके निकला तो मैं मतलब कॉन्फिडेंस था कि मेरा मतलब हो ही जाएगा। जी जी, एग्ज़ाम जब आप दे रहे हो तो एग्ज़ाम तो आपको पता होता है कि आपका निकलने वाला है कि नहीं निकलने वाला है। जी जी, तो जैसे ही मैं निकला मैंने तैयारी चालू कर दिया था, तो 10 अक्टूबर के बाद से। जी जी जी, थोड़ा बहुत उस समय दौड़ा, फिर मैं डेट का वेट कर रहा था, तो दो महीने दौड़ा हूँ मैं। वैसे इतना ज़रूरत नहीं होता है ग्रुप डी के दौड़ के लिए, 4 मिनट 15 सेकंड बहुत होता है, तो 15 दिन जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो उसके लिए 15 दिन भी इनफ है, लेकिन हमारे यहाँ SSCR में 55% लोग कट गए थे, उनके अच्छे अच्छे मार्क्स थे, 80+ मार्क्स थे, मतलब इसका यही मतलब है कि वो लोग प्रैक्टिस नहीं किए अच्छे से। बिल्कुल, तो जो लोग ऐसे हैं वो बिल्कुल 2 से 3 महीना बिल्कुल पहले चले जाइए, उनका हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत सटीक और सही बात बताए हैं कि 55% कैंडिडेट्स लोग फिजिकल में फेल हुए थे और सिर्फ 45% ही पास हो पाए थे PET में, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। तो आप लोग अगर अच्छे स्पोर्ट्स वाले हो तो अब तो कोई दिक्कत नहीं, 1-1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आप लोग अगर एक नॉर्मल हो, ठीक है, ज़्यादा 75+ kg या 70+ kg, तो आप लोग को काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, कम से कम 2-4 महीने तो लगेगा ही, ठीक है, क्योंकि उसमें भी दोस्तों टाइम में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब सर से बात किया जाएगा कि इनका मेडिकल एग्ज़ाम कहाँ हुआ था और कैसे क्या क्या हुआ था टेस्ट? मेरा मेडिकल एग्ज़ाम बिलासपुर में हुआ था जी, और बाकी लोग का रायपुर डिवीजन में हुआ था, नागपुर डिवीजन में हुआ था। कंपेरेटिवली बिलासपुर में नागपुर और रायपुर से थोड़ा सा टफ होता है आई टेस्ट वगैरह जो भी है, और अच्छा, थोड़ा सा टाइम भी लगता है। तो मेरा बिलासपुर में हुआ था, मेरा सबसे पहले चेस्ट हुआ था, यूरिन हुआ था, फिर नेक्स्ट डे में मेरा आई हुआ था। अच्छा। आई का जो टेस्ट है यहाँ पे थोड़ा सा टफ होता है, मुझे 1.5 से 1 घंटा लग गया था जी। तो आपको कलर विजन टेस्ट कराया गया उस समय, और लगभग 20 फीट के आसपास दूर जो छोटे सी होते हैं जो उसको मतलब दिखाया गया, लाइट बंद किया गया और ब्लड प्रेशर चेक किया गया। ब्लड प्रेशर के लिए बताना चाहूँगा कि उसको भी आपको देखना है, क्योंकि
हमारे यहाँ बिलासपुर में लगभग 15 से 20 दिन ब्लड प्रेशर के लिए रोका गया था, उनको बार बार बुलाया गया था। तो बिलासपुर में थोड़ा सा टफ होता है। उसके बाद हम लोग को हाइड्रोसिल टेस्ट कराया गया, अंदर रूम में ले जाया गया, वहाँ पे थोड़ा सा पीटी कराया गया, बहुत मतलब दौड़ाया गया, एक्सरसाइज करवाया गया। अच्छा। ठीक है, उसके बाद पाइल्स वगैरह नॉर्मल जो कराया गया। जी जी। तो सर आपको मेडिकल में कितना टाइम लग गया? 2-4 दिन तो लग ही गया। जी जी जी, मुझे मेडिकल में एक्यूरेट 3 डेज लगा, क्योंकि मेरा सब चीज़ ओके था, लेकिन बाकी लोग को जिनका रुका गया था, बीपी में 2 लोग थे उनको रोका गया था, तो उन लोग को 15 से 20 दिन लग गया। तो कोशिश कीजिएगा कि वहाँ ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करें। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे सर जो मेडिकल में अनफिट हुए होंगे, किस कारण से हुए होंगे? मेडिकल में अनफिट 1-2 लोग हुए थे बस, उनका कुछ कुछ इशू था, चश्मे का इशू था। जी 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 जी, चश्मे का इशू था उनका, पावर उनका ज़्यादा था। पावर ज़्यादा था। जी ठीक है। तो सर आपने मेडिकल के बारे में बता दिया, अब ये बताएंगे कि अभी आपकी फ़िलहाल ग्रुप डी की सैलरी कितनी है? मेरी ग्रुप डी की सैलरी 28-29 आती है, अभी डी ए 31 से 34% इंक्रीज़ हुआ है। जी। तो उसके बाद सैलरी में थोड़ा सा हाइक हुआ है। जी जी जी। तो सर आप ये बताएंगे कि अभी के डेट में ये ग्रुप डी जॉब कितना ज़रूरी है, इसमें क्या स्कोप है आगे? जी जी जी, देखिए एक जॉब तो सबको ज़रूरी है, और ख़ासकर गवर्नमेंट जॉब हो जाए तो और बहुत ज़रूरी होता है। जी जी। एक फाइनेंशियल कंडीशन आपका इससे बहुत इम्प्रूव हो जाता है। 29-30 थाउजेंड सैलरी अच्छी अच्छी होती है, और यहाँ से आप आगे बढ़ने के चांसेस आपके लिए बहुत है। GDC एग्ज़ाम होता है, LDC एग्ज़ाम होता है, उसको आप, और मैं बता देना चाहूँगा कि जो ओपन एग्ज़ाम होता है GDC एग्ज़ाम, उससे कंपेरेटिवली ईजी होता है। GDC का एग्ज़ाम आप अच्छे से आप क्लियर कर सकते हैं, ईजी आता है वो। जी जी। तो सर से काफ़ी अच्छा आप लोग को नॉलेज मिला होगा दोस्तों, एक्सपीरियंस भी काफ़ी मिलेगा आप लोग को, और इनका जो एक्सपीरियंस है आप लोग को काम आने वाला है एग्ज़ाम में। अब कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स ग्रुप डी स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग आप बताना चाहेंगे सर? मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपको रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी, इसी पे ही फोकस करना है। डेली पढ़िए आप, डेली 2 से 3 घंटे दीजिए, मोर देन इनफ है ये। और मॉक लगाते रहिए, टेस्ट में आपको आप खुद को एनालाइज करते जाइए, वीक पॉइंट जो है उसको आप एनालाइज कीजिए, और उसको डेली जो आपके वीक टॉपिक्स है उसको सॉल्व करते रहिए, और साइंस वगैरह में भी आप अच्छे से करिए, आपका हो जाएगा। सर एक चीज़ और, मैं करंट अफेयर्स की बात नहीं कर पाया, करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे किया जाए, क्योंकि अभी के डेट में जो NTPC है उसमें 72 में 2021 का पूछा गया है। जी जी जी। पिछले साल का पूछा गया है। जी जी जी। पेपर्स में तो कभी कभी 3 साल पहले तक के भी आ जाते हैं, 2019-18 के भी आ जाते हैं 1-2 क्वेश्चन, लेकिन आपको उसको स्किप करना है, मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, उसके चक्कर में आपका और भी जो टॉपिक्स है वो आपके छूट जाएंगे। तो 1-1.5 साल के करेंट अफेयर्स आप कर लीजिए, आप उसके लिए यूट्यूब देख सकते हैं, आप स्पीडी देख सकते हैं, अच्छे अच्छे चैनल है उसको देख सकते हैं। जी। और सर ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे कि ग्रुप डी स्टाफ का ट्रेनिंग कितने दिन की होती है? जी, हम लोग का ट्रेनिंग डोंगरगढ़ में हुआ था, और 30 डेज की ट्रेनिंग हुई थी वहाँ पे। जी। 2 घंटा सुबह या 2 घंटा शाम आपको बस पढ़ाई करना होता था, उसके बाद आप वहाँ पे भी आप खुद की स्टडी मेंटेन कर सकते हैं, रेगुलर रख सकते हैं वहाँ पे भी स्टडी। जी जी। सर फैसिलिटीज़ के बारे में बताना चाहेंगे कि आपको अभी के डेट में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है? जी, रेलवे स्टाफ को तो सभी आपको PTO पास मिल जाएगा ट्रैवल के लिए। जी। और आपको आपको हॉस्पिटल मेडिकल, रेलवे का मेडिकल मिल जाएगा आपको, काफ़ी अच्छी सुविधा मिलती है आपको। जी जी जी। तो दोस्तों आज के इंटरव्यू में इतना काफ़ी है, काफ़ी आप लोग को मोटिवेशन मिलेगी, और जैसे आप लोग को कुछ भी कमेंट्स, कुछ भी डाउट रहता है दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा। और भी यही सिलसिला अभी स्टार्ट रहेगा ग्रुप डी स्टाफ के इंटरव्यू का, ये पहला 2022 का ये पहला इंटरव्यू है। ठीक है, तो बिल्कुल शेयर कीजिए दोस्तों। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।